हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली प्रोग्रामिंग। आई होप आप लोगों को बाकी के जो वीडियोस हैं लेसन 1 to 14 इस आर्डिनो लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच सीरीज़ के वो पसंद आए, आपके लिए यूज़फुल रहे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम। आपको मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पूरा का पूरा कोर्स करना चाहते हैं आर्डुइनो का, तो लेसन 1 से प्लीज़ देखिए, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू टुडेज़ वीडियो। तो आज हम क्या करने वाले हैं लेसन नंबर 15 में। सो लेसन 15, आज का हमारा जो स्कोप है इस लेसन का, दैट इज़ कंट्रोलिंग सर्वो मोटर विद, आपने गेस कर लिया होगा, जो हम पहले करते आ रहे हैं, पोटेशियोमीटर। ओके, तो हम आज इस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में। लेसन 15 कंट्रोलिंग सर्वो मोटर विद पोटेशियोमीटर। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसका सर्किट बनाते हैं। सर्किट बनाने के लिए हम वही टिंकर कैड का अपना सिमुलेटर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्डुइनो लेते हैं, आर्डुइनो। तो आर्डुइनो हमने ले लिया, तो मैं स्टार्टर वाला ही लूँगा ताकि ब्रेडबोर्ड उसमें ऑलरेडी इंटरफेस मिल जाए मुझे, बसेस वगैरह। तो ये लेने के बाद हमें और क्या चाहिए होगा, सर्वो मोटर। ओके, तो सर्वो मोटर ले लिया मैंने। उसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा, पोटेंशियोमीटर मैंने ले लिया। वी नीड ओनली दीज थ्री कंपोनेंट्स। ओके, तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा होल्ड ऑन अ सेकंड। ओके, तो सबसे पहले तो मैं पोटेंशियोमीटर इंटरफेस कर दूं। तो मैं क्या करूँगा, हमारा जो पोटेंशियोमीटर है इसको इससे ही लगाता हूँ ताकि जो इसका वाइपर पिन है वो मैं इजीली ए नोड से इंटरफेस कर पाऊँ। वाइपर पिन को दोबारा से मैं लूँगा इंटरफेस करने के लिए। ओके, तो वाइपर पिन को मैंने लिया, इसको मैं एनालॉग पिन ए नोड से कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज कनेक्टेड टू ए नोड। बाकी के टर्मिनल्स को सिंपली मैं क्या करूँगा, एक टर्मिनल को मैं नेगेटिव से कर दूंगा। ओके, और पॉजिटिव से कर दिया इसको, तो दूसरे को मैं नेगेटिव से कर दूंगा। डन, इनका कलर भी चेंज कर देते हैं। नेगेटिव वाले को मैं ब्लैक कर दूंगा जैसा कि जनरली यूज़ होता है, दूसरे को मैं रेड कर दूंगा, और जो हमारा सिग्नल है इसको मैं ऑरेंज कलर का कर दूंगा। और ये सब हमारा हो गया, राइट। तो उसके बाद आ जाइए हम सर्वो मोटर पे। तो सबसे पहले तो सर्वो मोटर के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको ऊपर ले जाके मैं पावर दे देता हूँ। ओके, तो इसको मैंने पॉजिटिव दे दिया, डन। उसके बाद ग्राउंड देना है इसको। ओके, डन, एंड वी आर डन विद ग्राउंडिंग, एंड इट्स ग्राउंडेड। ओके, सो रह गया हमारा सिग्नल। तो सिग्नल आल से कि हम 6th आर्डुइनो पिन पे कनेक्ट कर देते हैं, तो आई जस्ट गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड यहाँ से आई विल गो टू, यहाँ से मैं जाऊँगा 6th पिन पे। सो वी आर डन, ये हमारा सर्किट था। इसके कलर्स चेंज कर देता हूँ मैं ताकि हमें समझने में ईजी रहे। इसको मैं येलो कर देता हूँ, इसको भी मैं येलो कर देता हूँ बिकॉज इट्स द सेम केबल। तो और क्या बचा, दिस, इसको मैं रेड कर देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। सो दिस इज द सर्किट जो आज हम प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज हम क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर से सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे।
तो चलिए इसके प्रोग्रामिंग पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे पिंस को अपना। इंट पोटेंशियोमीटर है तो उसके लिए पॉट यूज करते हैं जैसे हम यूजुअली, तो पॉट। उसके बाद दूसरा हमारे पास है सर्वो, तो उसके लिए सर्वो, सर्वो इज इक्वल्स टू सिक्स में मैंने कनेक्ट किया है। एक वेरिएबल चाहिए पोटेंशियोमीटर की वैल्यू करने के लिए और एक मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट सर्वो मोटर के लिए। माई सर्वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया मैंने। दैट्स ऑल फॉर द डेफिनेशन सेक्शन सेक्शन। और इसके बाद हम जाते हैं वॉइड सेटअप की तरफ। वॉइड सेटअप में जाके मैंने क्या किया, सबसे पहले तो जो हमारे पिन मोड सीरियल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर लेते हैं अगर हमें कुछ प्रिंट करवाना हुआ, देखेंगे। ओके उसके बाद हम अपना जो सर्वो है उसको अटैच कर देते हैं। माई सर्वो डॉट अटैच, और किससे अटैच करना है इसको, सर्वो से। हमने ये पहले भी देखा था कि इसका पिन एज सच डिफाइन नहीं होता लेकिन इसके ऑब्जेक्ट को अटैच करना पड़ता है पिन से। तो उसके बाद हम जो हमारा एनालॉग पिन है उसको कर देते हैं इनपुट मोड में सेटअप। आई गेस इतना ही था इसमें। चलिए अब हमारे वॉइड लूप की तरफ चलते हैं। वॉइड लूप, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही अपना एनालॉग रीड करेंगे। किसको रीड करेंगे, वैल्यू में स्टोर कर देंगे उसको। एनालॉग रीड पोटेंशियोमीटर। ओके तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, लेकिन अब वही फिर से प्रॉब्लम कि एक रेंज से दूसरी रेंज में कन्वर्ट करना है। तो अब हमारे पास रेंज जो है, एनालॉग वैल्यूज की रेंज क्या है, रेंज ऑफ पोटेंशियोमीटर वैल्यूज जो है वो एनालॉग रीडिंग्स देगा, तो उसकी रेंज क्या रहेगी, 0 to 1023। मतलब ये हमारी क्या होगी, रीडिंग वैल्यूज, रीडिंग वैल्यूज। और जो हमारे रेंज ऑफ सर्वो मोटर है वो क्या है, रेंज ऑफ सर्वो वैल्यूज वो क्या है हमारे पास, 0 to 180। तो ये क्या हो गई हमारे पास, राइटिंग वैल्यूज। सिमिलरली जैसा कि मैंने पहले रेंज कन्वर्जन की है वैसे ही हम सिर्फ इसमें करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा से वीडियो बनानी चाहिए इसके लिए। हम सिंपली सीधा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आप गेस कर ही सकते हैं कि क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप सोचिए एक मिनट के लिए। फॉर्मूला मैं आपको बताई दूंगा, आप पॉज करिए वीडियो और सोचिए। आई होप आप में से किसी ने बना लिया होगा फॉर्मूला। तो सिंपली हमारे पास क्या फॉर्मूला बचेगा, वाई इंटू एम एक्स हमारा स्लोप रहता इक्वेशन रहता है इस लाइन का। वाई हमारे पास क्या है, राइटिंग वैल्यूज। राइटिंग वैल्यूज का क्या मतलब है, जो हमारी सर्वो की वैल्यूज है, दैट वुड बी इक्वल टू स्लोप इंटू क्या रहेगा, रीडिंग वैल्यूज। रीडिंग वैल्यूज, रीडिंग वैल्यूज की क्या रेंज है हमारे पास, जो भी 0 to 1023। तो राइटिंग वैल्यूज हमारे पास क्या है, सर्वो वैल्यूज विल बी इक्वल टू स्लोप क्या आएगी, y2 - y1 / x2 - x1। तो y2 - y1 / x2 - x1 इंटू क्या रहेगा, जो हमारी पॉट वैल्यूज है। अब यहां पे हमारे पास पॉइंट्स क्या है, हमने रीडिंग वैल्यूज जो है वो प्लॉट करनी है एक्स एक्सिस पे, जो राइटिंग वैल्यू है वो हमने प्लॉट करनी है वाई एक्सिस पे। तो वहां से हमारे पास क्या पॉइंट्स आ जाएंगे, x1 y1 0 0 x2 y2 180 और 1023। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पे इक्वेशन बन के, अल्टीमेटली अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है अभी भी तो आप पिछले लेसन में जाके देख सकते हैं जहां पे हमने पोटेंशियोमीटर डिस्कस किया था
और PWM वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया था कि हमने ये इक्वेशन कैसे फॉर्म की, क्योंकि सेम इक्वेशन है जो हमने पहले यूज की थी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो यही हम वैल्यू वहां पे यूज करेंगे व्हाइल प्रोग्रामिंग। व्हाट वैल्यूज यहां पे क्या होगा, सर्वो वैल्यूज। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ आ गई होगी कि मैंने डायरेक्टली कैसे लिखी है। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप एक काम कीजिए, जो पिछले लेसन्स हैं जहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस किया था, उस वीडियो में जाके बस वैल्यूज वहाँ पे जीरो, ये तो सेम ही रहेगा, 0 to 5 या 0 to 255 पे जो हमने रेंज किया था उसको यहाँ पे 0 to 180 पे रेंज कर दीजिए, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अब इस इक्वेशन को यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इन वैल्यूज को चेंज कर दूंगा किस में, 180 डिवाइडेड बाय सर्वो वैल्यूज में 1023। ये हमने फ्लोट का यहाँ पे क्यों लिया है, डेसिमल्स क्यों लिए हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि पिछले लेक्चर्स में ये मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, वैल्यू। तो हमने वैल्यू को भी चेंज कर दिया। उसके बाद अब क्या करना है हमें, यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये हमें राइट करनी है। राइट किस पे करनी है, जो हमारी सर्वो मोटर है उसके लिए प्रोग्राम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फिर भी आप देखिए क्या प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को पता होगा कि क्या करना है हमें यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट जो है माई सर्वो डॉट राइट हम यहाँ पे यूज करेंगे, कलर चेंज हो गया, दैट मीन्स हमारा सिंटेक्स सही है। और यहाँ पे वैल्यू क्या देंगे, जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू है, और उसके बाद डिले दे देंगे 1000 मिलीसेकेंड्स का। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा कि हमने इसमें क्या किया है। हमने जस्ट जो वैल्यू आएगी हमारे पास, चलो इसको प्रिंट भी करते हैं यहाँ पे सीरियली, पता चलेगा कि क्या हो रहा है। सीरियल डॉट प्रिंट एनालॉग वैल्यूज, एनालॉग वैल्यू क्या आई हमारे पास, इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सीरियल डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे मैंने ln, यहाँ पे मैंने वैल जो हमारा वेरिएबल है उसको वैल्यू को प्रिंट कर दिया। उसके बाद सेम कोड कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सेंसर वैल्यू। आई गेस वी आर डन विद द कोड। तो चलिए प्रोग्राम को सेव करते हैं कंट्रोल एस के साथ, नाम देते हैं 15th आर्डुइनो प्रोजेक्ट। ओके, तो प्रोग्राम हमारा हो गया सेव। तो अब अपलोड करने से पहले क्या चेक करना है हमें, टूल्स में जाके कि हमारा बोर्ड सही सिलेक्टेड है, पोर्ट अपना अगर अनप्लग्ड है तो उसे कनेक्ट कर दीजिए। तो वी आर कनेक्टिंग इट नाउ। पिन्स वगैरह चेक कर लीजिए अपने हार्डवेयर के साथ कि सेम पिन्स अटैच्ड हैं या नहीं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। आप अपने पीसीस पे करिए और मैं यहाँ करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए प्रोग्राम अपलोड करते हैं सीरियल मॉनिटर पे, सॉरी अपने हार्डवेयर पे, और सीरियल मॉनिटर पे वैल्यूज भी चेक करेंगे। तो चलिए कंपाइलिंग स्केच, और सर्वो डज नॉट नेम अ टाइप, यहाँ पे क्या इश्यू हुआ, लेट मी सी। ओके, तो यहाँ पे हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुके हैं, हमने यहाँ पे लाइब्रेरी को इंक्लूड ही नहीं किया। हैश इंक्लूड सर्वो डॉट एच एंड वी आर डन। लाइब्रेरी को इंक्लूड करना प्लीज याद रखिएगा, मेरी तरह भूलिएगा मत। तो चलिए अब हम प्रोग्राम हमारा अपलोड हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, अब अपलोड होगा। लेट्स सी कि हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा। सो डन अपलोडिंग। तो पहले तो हम वैल्यूज देखते हैं सीरियल मोनिटर पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी एनालॉग वैल्यू जीरो है, तो सेंसर वैल्यू भी जीरो है। अब आप देखिएगा जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ वैल्यूज को,
कुछ कुछ वैल्यूज आ रही हैं उसके साथ साथ हमारी जो है सर्वो मोटर। देखिए मैंने जैसे इसको पूरा टर्न किया तो हमारी सर्वो मोटर 0 से 179 तक गई, वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 180 तक गई। अगर मैं इसको पूरा का पूरा ऐसे दूसरी साइड ले जाता हूँ तो देखिए हमारी सर्वो कैसे पोटेंशियोमीटर के साथ रोटेट कर रही है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। हार्डवेयर में भी आपको दिख गया, जो साइड पे विंडो है आप उसमें देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये चीज सिमुलेटर पे करके दिखाता हूँ, क्योंकि जिनके पास हार्डवेयर नहीं है तो उनके लिए मैं सिमुलेटर पे भी कैसे करनी है ये सेम चीज उनके लिए मैं वहां दिखाता हूँ। तो चलिए अब सिमुलेटर पे करते हैं। यहाँ से मैं इस प्रोग्राम को कॉपी कर लूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। तो चलिए सिमुलेटर पे, सर्किट हमने वहां बनाया हुआ है सेम सर्किट। जस्ट क्या करना है मुझे, कोड में जाना है, टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, ओके कंटिन्यू, एंड इस टेक्स्ट को रिप्लेस करना है उससे और स्टार्ट द सिमुलेशन। कोड को अब मैं अंदर भेज देता हूँ, लेट सी कि इस पे चल रहा है। ओके एंड द सर्वो इज रोटेटिंग, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गई। जैसे जैसे मैं उसको मूव करूँगा देख सकते हैं आप कि साथ साथ में हमारी सर्वो भी रोटेट कर रही है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो प्रोग्रामिंग के, और आप जब आपको कोई ऐसी सिचुएशन आए जैसे आपको पोटेंशियोमीटर की तरह किसी चीज़ के विद रिस्पेक्ट टू किसी और चीज़ को कंट्रोल करना हो तो आपको समझ आए कि आप क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, इसका कंसेप्ट समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए या मुझे पर्सनली डीएम कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स और ये सब्सक्रिप्शंस देख के ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे और नए नए वीडियोस बनाने का और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का। आई एम थिंकिंग कि मैं एक और टेक्नोलॉजी पे भी वीडियोस बनाऊं, तो अगर मुझे आर्डुइनो पे इस सीरीज पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।